हैदराबाद की वो शर्मसार कर देने वाली वारदात अब दिल्ली को भी दहला रही है। संसद से लेकर सड़क तक लोगों के खून में उबाल है। भले ही हैदराबाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे घिनौने अपराध कब तक। हैदराबाद शर्मसार है उस घिनौनी वारदात पर जब चार दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। हैदराबाद में हुई उस हैवानियत के बाद देश में आग है, गुस्सा है। दिल्ली में सड़क पर उतरे लोग अपने हिफाजत के सवाल पूछ रहे हैं। सदन में आरोपियों के लिए मौत मांगी जा रही है। सर, आई थिंक दैट दीज पीपल नीड टू बी शेम्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री। पीपल हु हैव नॉट डन देयर जॉब्स प्रॉपर्ली, the of course the guys who have committed the crime, definitely right ma'am. agar aisa is tarah ki cheeze hai, kuch countries mein hoti hain, wahan public isko justice deti hai. mera suggestion hai, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. right ma'am. lynched. हैदराबाद में हुई उस हैवानियत की आग देश भर में फैल रही है। गुस्सा और जुनून इस कदर कि उन भेड़ियों को जला दें। लोग सड़कों पर हैं और जुबान पर एक ही सवाल, क्यों कानून कमजोर है? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी, हमारी जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। मतलब एक महिला होके आज मैं इसके बारे में बात कर ली हूँ, यही बहुत शर्मनाक बात है। और मैं यही अपील करूँगी, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी टू द कंसर्न मिनिस्टर्स, टू एवरीबडी हु आर केपेबल ऑफ चेंजिंग इट, दैट प्लीज़ फॉर ऑल ऑफ अस मेक अ लॉ अगेंस्ट दिस रेप, अगेंस्ट दिस मोलेस्ट्रेशन सो स्ट्रॉन्ग। जो रेप करना तो दूर की बात है, कोई अगर लड़कियों की तरफ ऐसे देखे भी तो 10 बार सोच के देखे। सड़क से संसद तक गूंजने वाली हर आवाज उस वारदात से परेशान है। हर दिल रो रहा है और हर शख्स हैदराबाद की उस वारदात से सख्ते में है। लेकिन संसद की चर्चा से लेकर सड़क के हंगामे के बीच रोना यही कि कानून का डर अपराधियों में कब आएगा। वो किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं। हम सभी आहत हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सारी सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं। आप यह फैसला करें, चर्चा कराना चाहते हो तो चर्चा कराएं, और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो और कोई भी नेता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में इस तरह की दुर्घटना किसी बच्ची के साथ। बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म की का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वारदात जिसने हैदराबाद को ही नहीं देश को शर्मसार कर दिया,
आज इस वारदात ने उसी 16 दिसंबर साल 2012 की रात के उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कभी दिल्ली खड़ी थी। एक और निर्भया के बाद अब सवाल वही है कि क्या 7 सालों के बाद भी समाज के भेड़िए बेटियों की आबरू पर हमला करने से नहीं कतराते? क्या आज भी बेटियां बेड़ियों में ही कैद रहने के लिए मजबूर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट।